क्या आप कंफ्यूज हैं कि मैरिज से पहले लड़की से किस टाइप के सवाल पूछने चाहिए? यहाँ हमने बेस्ट सवाल बताए हैं। कसम से लड़की सोच में पड़ जाएगी जब आप ये सवाल पूछोगे। सबसे पहला है, स्टार्टिंग कैसे करें? अगर आप किसी से मिलने जा रहे हैं तो वो नॉर्मल सी बात है कि आप थोड़ा नर्वस फील करोगे। बस ध्यान रखें कि स्टार्टिंग में उठपटांग सवाल ना पूछें और ना ही डायरेक्ट सीरियस वाले सवाल पूछें। सबसे पहले आपको लड़की के नेचर के बारे में पता करना होगा कि वो किस नेचर की है। ऐसा करने से आपको पहले एक सिंपल सवाल पूछने होंगे। सबसे पहले लड़की का नाम पूछें, उसके बाद पूछें कहाँ रहती है, उसके बाद पूछें क्या करती है, घर पर कौन कौन रहते हैं, क्या पसंद है और क्या नहीं, कौन सा म्यूजिक पसंद है, किस टाइप के मूवीज देखना पसंद हो, घूमना पसंद है या नहीं, फ्री टाइम में क्या करती है, कोई गलत आदत तो नहीं। आपको अगर पहले से पता हो कि लड़की क्या करती है क्या नहीं करती है, नाम भी पता है, तो भी ये सवाल आप पहले पूछें। ये सवाल पूछने से लड़की का माइंड सेटअप होगा। इन सिंपल सवाल पूछने के बाद जब आपको लगे कि अब वो आपके साथ फ्रेंडली हो चुकी है, तब नीचे के ये सवाल पूछें, क्या तुम्हें घर का काम करना पसंद है? अगर आप हाउसवाइफ ढूंढ रहे हो तो ये सवाल जरूर पूछें कि तुम घर के कामकाज करती हो कि नहीं। हमारे हिंदुस्तान में ये वाला सवाल माँ बाप ही पूछते हैं। ऐसे में लड़की को भी अच्छा लगता है। तुम फैमिली के साथ रहोगी या हस्बैंड के साथ? हर माँ बाप यही चाहते हैं कि उसका बेटा या बहू उसके साथ ही रहे। ऐसे में आपका फर्ज बनता है कि लड़की से ये पूछे कि एक कंप्लीट फैमिली के साथ रहना पसंद करेगी या सेपरेट। लड़की का जवाब जो भी हो, आपको लड़की के बारे में पता चल जाएगा कि वो आपके साथ सिक्योर है या नहीं। तुम हाउसवाइफ बनना चाहती हो या जॉब करना चाहती हो? एक क्वेश्चन जरूर पूछे। क्या होता है कि आपके घर वाले को एक घरेलू बहू चाहिए और बाद में पता चलता है कि आपकी पत्नी काम करना चाहती है, तो ऐसे में पंगा हो सकता है, इसलिए ये सवाल जरूर पूछें। तुम्हें कैसा हस्बैंड चाहिए? लड़की से पूछो कि तुम्हें किस टाइप का पति पसंद है, उसमें क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। ऐसे में आपको लड़की के थॉट का पता चल जाएगा कि वो कैसा हस्बैंड चाहती है। क्या तुम्हें पपीज और बच्चे पसंद है? ये सवाल पूछ लेना आपके फ्यूचर के लिए अच्छा होगा। जैसे कि आप सबको पता है कि शादी के बाद आपके माँ बाप को पोता पोती चाहिए, और शादी के बाद आपको पता चले कि आपकी वाइफ भी बच्चा नहीं चाहती, तो आपके तो लग गए ना। तो ये सवाल भी ऐड कर ले अपनी कॉपी में। जब मैं ड्रिंक करके आऊंगा तो क्या तुम दरवाजा खोलोगे? इन सब सीरियस सवाल के आप बीच में एक हंसी मजाक वाला सवाल पूछ ले। उससे पूछे कि अगर मैं ड्रिंक करके घर आऊँ तो क्या तुम मेरे लिए दरवाजा खोलोगे या नहीं? अगर दरवाजा खोलोगे तो क्या तुम मुझे पीटोगे? अगर मारोगे तो कितना मारोगे? ऐसे सवाल पूछने से वो रिलैक्स फील करेगी और आपका एक फनी इमेज बनेगा। तुम्हें कैसे कपड़े पसंद है? ये वाला सवाल जरूर पूछें कि लड़की शादी के बाद कैसे कपड़े पहनना चाहती है। क्या तुम मुझसे कुछ पूछना चाहती हो? जब आप अपने पूरे सवाल पूछ चुके हो तो आपको लगता है कि वो परफेक्ट वाइफ बन सकती है, तब जाकर आपका फर्ज बनता है अब उसे पूछने का मौका दे। ऐसे में आप दोनों अपने अपने क्वेश्चन पुट कर सकते हो, और वो भी बारी बारी से। अदर्स थिंग्स, आप लड़की से पूछे क्या आप शादी करना चाहती हो? अच्छे से पूछे कि सवाल और अच्छे से मिल गए जवाब से ही परफेक्ट वाइफ चुन सकते हैं। इन सभी क्वेश्चन के अलावा और भी बहुत सारे सवाल होते हैं, पर ये सवाल जरूर पूछने चाहिए। सो फ्रेंड्स, आपको ये लेक्चर कैसा लगा बताने के लिए कमेंट जरूर करें और शेयर जरूर करें। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे टू यू ऑल।